आगे सब लोग देखो, ये जो हाइड्रो रॉकेट है ये एक तरीके से न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि वो तो पहले भी था, लेकिन हमने बात जाना इस बात जो न्यूटन ने बताया कि इसका नाम ये, इसमें हम प्रेशर देते हैं सामने से इधर से इसके सामने या तो उधर जा ये जा रहा साथ में चले जा रहे हैं। इसके खासियत ये है, इससे सेफ्टी है कि इसके आगे कभी नहीं जाना चाहिए, गोली की तरह जाता है और ये आदमी को मार भी सकता है अगर ये पास में इसके सामने खड़े हो जाओगे, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। नंबर एक बात, इसमें हाइड्रोलिक रॉकेट की खासियत ये होती है कि इसमें 40% पानी होता है और 60% इसमें हवा होती है। ठीक है, तो आप इसको जो है लॉन्च कौन करेगा? मुझे लगता है आप किसी नए को बुलाएंगे तो पता चला कि वो हल्के सी हाथ मार दिए तो प्रॉपर लॉन्च नहीं हो पाए। अब पूरी है देखो ये पत्ता चमक रहा है, अगर मैं इस पत्ते को फेंकना चाहूँ तो देखिए कहाँ तक जाएगा, कितनी दूर गया है ना, बहुत दूर गया ना, पाकिस्तान से उधर चला गया। मास भी तो होना चाहिए सर उसमें, उसको मास, मास का मतलब होता है वेट। हाँ अभी देखिए इसमें वेट बना दिया मैंने, है ना, इस पेपर में वेट बना दिया और इसको अब मैं फेंकना चाहूँ तो देखिए आप, तो मतलब दूर तक जाएगा। क्या थ्रो है? तो मास के लिए, मास बनाने के लिए हल्का है ये, हवा खाली हवा भर देंगे, हवा प्रेशर से नहीं जाएगा, इसलिए इसका मास बनाने के लिए इसके अंदर पानी भरा जाता है 40, यानी कि अगर ये 1 लीटर की है तो 40 ग्राम पानी और 60 ग्राम हवा, तब ये हाइड्रो प्रेशर बनेगा इसमें, हाइड्रोलिक ये रॉकेट बनेगा, हाइड्रो रॉकेट इसको बोलते हैं। 4:6 और ये नासा की टीम में सबसे पहले यही किया जाता है, काउंटडाउन भी वैसे ही करेंगे, सब लोग बोलेंगे मेरे साथ। ठीक है, अब इन्होंने जैसे भी बनाया, अभी मैं बहुत सारे सहमत नहीं हूँ कि ये खुला नहीं रहना चाहिए, कोई भी हवा का रॉकेट के अंदर कोई भी पार्ट खुला हुआ नहीं होना चाहिए जिसमें हवा घुस सके, अगर हवा घुसेगी तो उसको फाड़ देगी सामने से, इसलिए नोकीला बनाया जाता है ताकि हवा को चीरता हुआ वो आगे तक जा सके। चलिए सब 10 से काउंट डाउन करेंगे, जब रॉकेट जाता है तो काउंट डाउन करते हैं ना सर, काउंट डाउन करेंगे सब मेरे साथ बोलेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गया काम, गया गया बता।